हेलो स्टूडेंट्स, हम आज करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1, जिसमें हम पढ़ रहे थे हमारी कंटिन्यूटी के बारे में। तो आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि आपके पास यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपको बोला गया है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास बताना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड। कि आपका एफ जो है वो कहाँ पर आपका डिफाइंड है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम बताएंगे यहाँ पर जो कंटिन्यूटी है वो आपके पास दी हुई है फंक्शन में 0 से 1, 1 to 3 एंड 3 to 10। तो हम देख लेते हैं कि फंक्शन हमारा 1 के ऊपर, क्योंकि 1 पर ब्रेक हो रहा है ये आपका और 3 पर ब्रेक होता है, तो हम देख लेते हैं कि फंक्शन हमारा जो है वो कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम यहाँ पर करेंगे हमारा सॉल्यूशन। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारे पास जो इंटरवल दिया है 0 से x जो है 0 और 1 के बीच में है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, आपके पास दिया हुआ है जो फंक्शन है एफ एक्स, जब 1 के इक्वल आपका होता है तो आपके पास वो है 3, जब 1 के इक्वल है आपका। अगर ये हम लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, तो आपके पास जो फंक्शन है वो क्या होगा। तो आप देखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 पर हमें जो फंक्शन है लेस देन 1 पर आपको दिया हुआ है 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, यहाँ h है नहीं तो लिमिट अप्लाई जब आप करेंगे तो वापस से 3 आ जाता है। फिर हम देख लेते हैं हमारा राइट हैंड लिमिट, जिसमें आपने लिखा है x टेंस टू 1 प्लस। तो यहाँ हम करेंगे एफ एक्स जो अगर 1 से ग्रेटर है, x जो है 1 से ग्रेटर है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या दी हुई है हमें यहाँ पर 4। तो आप क्या लिखेंगे, एच टेंस टू 0 जहाँ पर फंक्शन आपका आ रहा है 4, एच नहीं है तो ये सीधा आपके पास आ जाता है 4। तो आपने देखा कि फंक्शन जो है इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, नॉट इक्वल टू आप लिख सकते हैं यहाँ पर एफ वन। 1 पर हमने चेक किया था आपके पास ये इक्वल नहीं आ रही है, तो आप बता सकते हैं कि फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो इंटरवल हमारा इन द इंटरवल वन टू 3, एफ एक्स जो है हमेशा क्या रहता है यहाँ पर 4। तो इस इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। केवल किस इंटरवल की बात करें हम, 1 से 3 के बीच वाली। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, अगर हम देखें कि फंक्शन अगर आपके पास है 0 से लेके 1 तक, तो भी आपके पास क्या आ रहा था, ये फंक्शन आपका। अगर 0 से लेके हम 1 लेस की बात करें, क्योंकि इक्वल पे तो हमने देखा कि इक्वल पे हमारा डिसकंटिन्यूस आ रहा है, सिर्फ इतने इंटरवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या आ रहा था, 3, यानी कि हमेशा क्या रह गया, वो कंटिन्यूस। आपका जो फंक्शन है वो यहाँ पर हमेशा होगा 3। तो फंक्शन जो है वो इज़, आपके पास फंक्शन आ गया यहाँ पे कंटिन्यूस। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर आता है, हम चेक कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि है 3 पर। नेक्स्ट हमारा 3 पर ब्रेक है इसमें, तो हम बता देते हैं कि 3 पर हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, एट एक्स इक्वल टू 3, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी जो आती है लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। आपने जब 3 माइनस किया यानी कि 3 से छोटे पर आपके पास फंक्शन आता है 4। तो यहाँ आपने लिख दिया लिमिट h टेंस टू 0 3 माइनस में h, लेकिन हमारे पास जो फंक्शन है वो हमें क्या दिया हुआ है 4। तो यहाँ पर
इसको हम सही कर देते हैं, ये आपके पास होगा फंक्शन जो है 3 पर आपको दिया हुआ है 4। तो आप यहाँ लिखेंगे फंक्शन जो है वो आता है 4, तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन है 4। राइट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस फंक्शन, अगर 3 से बड़ा है तो यहाँ पर आपने देखा x 3 से बड़ा है तो फंक्शन लेना हमें 5। तो यहाँ आ गया लिमिट h टेंस टू 0 पर फंक्शन जो है वो दे रखा है 5 आपने देखा। और एक हम ये भी निकाल लेते हैं कि फंक्शन जो है 3 पर क्या आ रहा है, x इक्वल टू 3 पर आपने देखा कि x इक्वल टू 3 पर ये आता है 5, तो ये बना हमारे पास 5 कब f इक्वल टू x इक्वल टू 3 पर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट x लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f 3। जब आपके पास ये तीनों इक्वल नहीं आते हैं तो फंक्शन आपका क्या होता है, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट, और वो पॉइंट कौन सा हमारा 3 पर भी हमें यहाँ पे डिसकंटिन्यूस मिलता है। इसके बाद हम बोल सकते हैं कि आपके पास जो इंटरवल अगर हम लेते हैं, इन द इंटरवल, इंटरवल आपने यहाँ पे लिया है 3 पर, तो आपने बता दिया कि ये आपका कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन अगर हम 3 से बड़ा लें और 10 से छोटा अगर हम लेते हैं यहाँ पर, तो आप कह सकते हैं कि फंक्शन जो है वो कैसा होगा आपका, कंटिन्यूस होगा पूरे डोमेन में, फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो हमारे पास फंक्शन कहाँ कहाँ पर कंटिन्यूस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूटी के जो पॉइंट आ रहे हैं, डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3, इन दो पॉइंट्स पर हमारा जो फंक्शन आ रहा है वो कंटिन्यूस नहीं आता है। नेक्स्ट आपके पास है इसमें क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें आपको बोला गया है कि आपके पास जो कंटिन्यूटी आपको बतानी है फंक्शन की, जहाँ पर वो डिफाइंड है, और फंक्शन आपको ये दिया हुआ है। आपने देखा फंक्शन जो है 0 और 1 पर हमें ब्रेक दिया हुआ है, तो हम चेक करेंगे 0 और 1 पर। एट x इक्वल टू 0 पर आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी आ रही है वो आती है x टेंस टू 0 माइनस पर, फंक्शन जो है आपके पास यहाँ आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और 0 से लेस होने पर फंक्शन मिलता है 2x। तो यहाँ आप लिखेंगे 2 0 माइनस में h, तो ये मिला हमें लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2h। जब हम 0 रखते हैं तो ये मिल गया हमें 0। इसी तरह अगर हम राइट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर अगर हम बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन की वैल्यू क्या देता है, 0 प्लस पर आपके पास 0, तो यहाँ पर हमारा आ गया है 0। अगर हम बात करें x इक्वल टू 0 पर फंक्शन जो है वो 0 पर क्या देता है, तो आपने देखा अगर 0 के इक्वल है तो वो वैल्यू हमें मिल रही है 0। तो यहाँ पर आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल है हमारा f 0 के, तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। नाउ एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1 फंक्शन इज लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, जो फंक्शन है आपका 1 माइनस पर कहाँ जा रहा है आपके पास, अगर 1 से आप लेस लेते हैं तो वो आता है 0। इसके बाद अगर हम बात करें राइट हैंड लिमिट की, तो उसमें आप लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx, तो ये क्या मिलता है आपको, लिमिट h टेंस टू 0 पर आप लिख सकते हैं 4 1 प्लस में h। क्यों, क्योंकि 1 ग्रेटर होने पर फंक्शन क्या डिफाइंड है यहाँ पर 4x, तो यहाँ से जब आप h 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा 4। अगर हम x इक्वल टू 1 पर बात करें तो f इक्वल टू 1 पर फंक्शन जो है
इक्वल टू वन पर आपको दिया हुआ है यहाँ पर इक्वल टू वन पर जीरो, तो आपने लिख दिया यहाँ जीरो। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर, बता सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज़ इक्वल नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ फंक्शन एट पॉइंट वन। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन। इसके बाद हमें पता है कि अगर हम फंक्शन लेते हैं, हमने देखा कि x इक्वल टू वन पर हमारा जो फंक्शन है वो क्या नहीं आता है, आपके पास कंटिन्यूस नहीं आता है। और इसके अलावा अगर हम वन को छोड़ दें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या आ जाता है, आपका कंटिन्यूस आता है। तो आपके पास आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि फंक्शन जो है उसका डिसकंटिन्यूटी का जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है आपके पास यहाँ पर, डिसकंटिन्यूटी का जो पॉइंट आता है डिसकंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू वन पर, और कंटिन्यूस होगा कहाँ पर, जब हम वन को छोड़ देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपको बताया गया है क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बोला गया है कि आपके पास कंटिन्यूस बताना है आपको कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम देख लेते हैं, आपके पास यहाँ पर जो ब्रेक दिया हुआ है वो माइनस वन पर दिया हुआ है और वन पर दिया हुआ है, तो एट एक्स इक्वल टू माइनस वन। तो आपके पास यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट जो आती है लिमिट एक्स टेंस टू माइनस वन माइनस, तो फंक्शन जो है जब माइनस वन से लेस रहेगा तो फंक्शन डिफाइंड है माइनस टू। इसके बाद आप राइट हैंड लिमिट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, राइट हैंड लिमिट जब हम लेते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू वन प्लस वन, जब हम प्लस कर रहे हैं माइनस वन जो है उससे बड़ा अगर x है तो आपके पास फंक्शन डिफाइंड है 2x। तो आप यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो टू माइनस वन प्लस एच, यहाँ पर h जीरो रखने पर आपको वैल्यू मिलती है माइनस टू। अगर हम x इक्वल टू माइनस वन लेते हैं तो आपको पता है यहाँ दिया हुआ इक्वल में फंक्शन डिफाइंड है माइनस टू, तो f जो है माइनस वन पर आ जाता है माइनस टू। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल है आपकी राइट हैंड लिमिट के, और ये इक्वल है आपकी फंक्शन एट पॉइंट माइनस वन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इसको कि हमारा जो फंक्शन आ रहा है माइनस वन पर वो कैसा है, कंटिन्यूस है। f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू माइनस वन। अब हम चेक कर लेते हैं हमारा जो फंक्शन है x इक्वल टू वन पर, दो पर ब्रेक दिखा रखा था, अब हम वन पे चेक करें। लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लें तो लिमिट x टेंस टू वन माइनस हम बात करें तो ये आपके पास क्या आता है, वन माइनस पर हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट h टेंस टू जीरो, आपको पता है यहाँ पर वन से अगर लेस रहता है तो फंक्शन है 2x, तो यहाँ हम लिख सकते हैं वन माइनस में h, तो ये वैल्यू आ जाती है आपकी 2। इसके बाद है हमारे पास, अगर आपके पास हम ले यहाँ पर राइट हैंड लिमिट तो ये आपके पास आता है लिमिट x टेंस टू वन प्लस fx, वन हम जोड़ रहे हैं, वन से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है 2। नेक्स्ट आप लेते हैं एट वन पर, तो आपके पास फंक्शन जो है वन पर इक्वल होता है तो आपके पास फंक्शन था 2x, तो f वन जो है वो बन जाता आपका 2। तो यहाँ से भी आपने देखा कि फंक्शन जो है आपके पास इक्वल आ रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है आपके पास फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू वन, मीन्स फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। आपका जो फंक्शन है दो पॉइंट्स पर ब्रेक था और इन पर भी कंटिन्यूस आ जाता है, तो आप बोल सकते हैं कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस इन द होल डोमेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 17,
जिसमें आपको बोला गया है कि रिलेशन बताना है ए और बी के बीच में, और फंक्शन आपका ये डिफाइंड है, और फंक्शन आपको दिया हुआ है कंटिन्यूस है। आपको ये ध्यान रखना है कंटिन्यूस है मीन्स आपके पास थ्री पर कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट और राइट जो है वो हमेशा इक्वल होगी। तो आप यहाँ पर अब आपको प्रूव नहीं करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं, आपको ये मान के चलना है कि कंटिन्यूस है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स। तो आप देखेंगे कि 3 से छोटा होने पर आपको वैल्यू देता है ये लिमिट h टेंस टू 0 a 3 माइनस एच प्लस 1। तो यहाँ पर h 0 रखने के बाद आपको मिलेगा 3a प्लस में 1। राइट हैंड लिमिट में आपके पास आ जाता है यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, अगर 3 से बड़ी हम वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे फंक्शन है ये वाला। तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 b 3 प्लस एच प्लस में 3। तो यहाँ से हमें मिलता है 3b प्लस में 3। आपके पास लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट्स आ चुकी हैं। अब आप देखेंगे x इक्वल टू 3 पर, तो x इक्वल टू 3 पर आपके पास इक्वल टू 3 पर आपने देखा कि फंक्शन जो है वो आपका ये डिफाइंड है। तो यहाँ पर आप x के प्लेस पे 3 रखेंगे प्लस में 1, ये आ गया हमारा 3a प्लस 1। अभी हमें फंक्शन जो क्या है, फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होगी हमारी राइट हैंड लिमिट के। तो आप इक्वल कर दीजिए, यहाँ से आता है 3a प्लस में 1 इक्वल टू 3b प्लस में 3। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3a माइनस में 3b इक्वल टू में 3 माइनस 1, ये आपके पास आ जाता है a माइनस बी इक्वल टू 2। सो a माइनस बी इक्वल टू 2 बाई 3, और वी कैन से a इक्वल टू 2 बाई 3 प्लस में b। सो फॉर एनी आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ b वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a कोरोस्पोंडिंग टू द वैल्यू ऑफ b। सो देयर आर इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ a एंड b। जैसे जैसे आप b रखेंगे आपके पास जो a की वैल्यूज आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये आपके पास रिलेशन आया है, तो हमारी जो a की वैल्यू है, वैल्यू ऑफ a डिपेंड कर रही है किस पे, डिपेंडिंग ऑन b। सो एज वी चेंज अवर b द वैल्यू ऑफ a वी विल गेट। सो there are infinitely many values of a and b। next है हमारे पास question number 18, जिसमें आपको बोला गया है function आपको बताना है 0 पर फॉर वेट वाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज डिफाइंड एट 0, फंक्शन इज गिवन एट 0, इज डिफाइंड बाय कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, वाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि फंक्शन जो है, सबसे पहले हमें बोला गया है फंक्शन x 0 पर क्या है आपका, कंटिन्यूस है। तो हम देख देते हैं लिमिट एट लेफ्ट हैंड लिमिट जो आती है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस पर फंक्शन जो है वो दे रखा है हमें लिमिट h टेंस टू 0, ये है आपके पास लैम्डा 0 माइनस एच का स्क्वेयर माइनस में 2 0 माइनस में एच स्क्वेयर, सॉरी 0 माइनस में h। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन है ये आपके पास ये आ गया, तो ये क्या बना आपका लिमिट h टेंस टू 0 पर हमें मिलता है लैम्डा h स्क्वेयर माइनस में प्लस हो जाएगा ये 2h, और h जब हम 0 रखेंगे तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी 0। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जो है हम लिखते हैं 0 प्लस
और यहाँ पर हमें मिल जाता है लिमिट एच टेंस टू जीरो पर। आपने देखा अगर ग्रेटर देन जीरो है आप रखेंगे ये फंक्शन, तो ये आ जाता है 4x प्लस में 1। और वी कैन से हियर वी कैन से 4 जीरो प्लस एच प्लस में 1। तो यहाँ से हमें मिल जाता है लिमिट एच टेंस टू जीरो 4h प्लस 1 दैट इज 1। नाउ एट x इक्वल टू जीरो फंक्शन एट x इक्वल टू जीरो, आपको फंक्शन ये दिया हुआ, अगर हम x जीरो लें तो f जीरो पर आपके पास x जीरो रखने पर वैल्यू आ जाती है 0। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि आपके पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के। तो हमें ये बताना था कि किस वैल्यू लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है जीरो पर। तो हमें लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू नहीं मिलती है। यहाँ हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इक्वल नहीं है हमारी राइट हैंड लिमिट के। सो देयर इज़ नो वैल्यू एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो वाट एवर बी वैल्यू ऑफ लैम्डा मे बी। ये डिपेंड नहीं कर रहा हमारा लैम्डा की वैल्यू पर। तो लैम्डा चाहे आपका कुछ भी हो आपके पास फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा जीरो पर। इसके बाद इन्होंने पूछा आपसे कि क्या आपके पास जो फंक्शन है वो वन पर कंटिन्यूस है। तो हम बता देते हैं वन पर कंटिन्यूस है या नहीं। आपको पता है जीरो से ग्रेटर आपके पास ये वाला दिया हुआ है तो फंक्शन हमेशा क्या रह जाएगा 4x प्लस में 1। तो जब हम चेक कर रहे हैं इसको x इक्वल टू 1 के ऊपर तो आप लिखेंगे यहाँ पर एट x इक्वल टू 1। तो आप लिखेंगे यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स, ये आपके पास आ जाती है 4 प्लस में 1 दैट इज़ 5। सो एफ वन इज 5। सो एफ इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 1 एंड f इज नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा बट f इज कंटिन्यूस फॉर x इक्वल टू 1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा, क्योंकि यहाँ पर आपके पास लैम्डा की वैल्यू इन पर इफेक्ट नहीं डाल रही है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 18 तक। हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे हमारे आगे के क्वेश्चन। जब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आई थैंक यू।